तो गाइस अब करेंगे हम टेस्टिंग अपने मैगसेफ चार्जर की एप्पल की सभी डिवाइस के साथ जो भी हमारे पास अवेलेबल है सभी के साथ टेस्ट करके देखेंगे कि किसके साथ कैसा काम करता है। हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप लोग। गाइस आज हम करने वाले हैं अनबॉक्सिंग एप्पल के मैगसेफ चार्जर की जो कि मैंने ऑनलाइन परचेस किया है एप्पल स्टोर से। और गाइस करेंगे इसके कुछ टेस्ट अपने आईफोन के साथ, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप कोई डिटेल मिस ना करें। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो गाइस कुछ इस तरीके का पैकेट हमें डिलीवर हुआ है एप्पल की तरफ से, तो करते हैं इसको जल्दी से ओपन और देखते हैं कि हमारा मैगसेफ चार्जर कैसा होता है। गाइस ये मैंने एप्पल की ऑफिशियल वेबसाइट से मंगाया तो मुझे इस तरीके की पैकिंग में डिलीवर हुआ है, तो करते हैं इसको जल्दी से ओपन बिना टाइम को वेस्ट करे। तो गाइस ये है हमारे मैगसेफ चार्जर का बॉक्स जो कि काफ़ी छोटा सा है देखने में और काफ़ी प्यारा सा है। और इस पे आगे आप देख सकते हैं मैगसेफ चार्जर बना हुआ है और ऊपर लिखा हुआ है मैगसेफ चार्जर और एप्पल का लोगो है। और बैक साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ स्पेसिफिकेशन दिखेगी और इसके नाम दिखेंगे लिखे हुए आपको अलग अलग लैंग्वेज में। और यहाँ पर आपको USB टाइप सी पोर्ट बना हुआ दिखेगा और उसके नीचे देख सकते हैं आप यहाँ पर इसका प्राइस भी लिखा हुआ है 4500। तो करते हैं इसको ओपन जल्दी से। और यहाँ पर आपको एप्पल का फुल टैप का ऑप्शन मिलता है, तो करते हैं इसको पुल और जल्दी से ओपन करते हैं इस बॉक्स को। डिजाइन बाय एप्पल इन कैलिफोर्निया का इस फ्रंट पे ये लिखा हुआ है इसमें, और ये हमें इस बॉक्स के अंदर से मिला है। और इसमें हमारा मैगसेफ चार्जर है और कुछ इस तरीके का है हमारा मैगसेफ चार्जर। यहाँ पर आपको केबल मिलती है और साइड में आपको चार्जर दिख रहा होगा जिसके ऊपर आप फोन रख के चार्ज करेंगे अपना, और निकालते हैं इसको बाहर। तो गाइस इस तरीके का देखने को मिलता है हमें मैगसेफ चार्जर जो कि सिल्वर कलर में देखने को मिलता है, और उसके बीच में देखने को मिलता है आपको वाइट कलर जो कि रबड़ का लग रहा है मेरे को देखने में। और इसके साथ मिलती है हमें ब्रीडेड केबल जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है, और इसमें USB टाइप सी पोर्ट दिया है जिसको आप अडेप्टर में लगाएंगे एप्पल के 20 वॉट के, तो उस अडेप्टर से इसको पावर मिलेगी जिससे कि आप अपना फ़ोन चार्ज कर पाएंगे। तो गाइस ये था हमारा मैगसेफ चार्जर, अब करेंगे इसकी टेस्टिंग अपने आईफोन के साथ और एप्पल के अदर डिवाइस के साथ। तो गाइस अब करेंगे हम टेस्टिंग अपने मैगसेफ चार्जर की एप्पल की सभी डिवाइस के साथ जो भी हमारे पास अवेलेबल है सभी के साथ टेस्ट करके देखेंगे कि किसके साथ कैसा काम करता है और किसके साथ काम करता है किसके साथ नहीं करता। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं अपने आईफोन 12 प्रो मैक्स पे। तो गाइस इस पर हमने लगा दिया और गाइस चार्जिंग हो रही है, और गाइस आप देख सकते हैं चार्जिंग हो रही है इसमें। और आप करेंगे गाइस इसकी मैग्नेट का टेस्ट, इसकी मैग्नेट कितनी पावरफुल है। अगर हम इसको इससे उठाते हैं तो गाइस इसकी मैग्नेट भी देख सकते हैं आप, काफ़ी पावरफुल मैग्नेट है क्योंकि आपके फ़ोन में भी मैग्नेट मिल जाती है और चार्जर में भी मैग्नेट मिल जाती है, तो आपको पावर ज़्यादा मिल जाती है मैग्नेट की, इसलिए इसकी जो ग्रिप है वो काफ़ी अच्छी है। गाइस अब करेंगे हम फ़ोन का केस के साथ टेस्ट कि हमें केस लगा के कैसा रिस्पॉन्स मिलता है। पहले तो हम केस पे चेक करते हैं क्योंकि गाइस केस में भी यहाँ पे मैग्नेट है तो ये सिर्फ इस पे भी चिपक सकता है, बाकी हम इसको फ़ोन के साथ लगा के चेक करते हैं। तो अभी चेक करते हैं गाइस, तो गाइस चार्जिंग एकदम प्रॉपरली हो रही है जैसा कि आप देख सकते हैं, और इसमें भी आपको बहुत अच्छी ग्रिप मिलती है कवर के साथ भी, इसमें भी काफ़ी हैवी ग्रिप है इसकी। अब करते हैं हम अपने आईफोन XR का टेस्ट कि XR पे कैसा वर्क करता है ये। तो गाइस XR में आपको मैग्नेट तो देखने को मिलती नहीं है लेकिन ये चार्ज हो जाएगा, इसमें आपको इतना आपको मैग्नेट देखने को नहीं मिलेगी, आपको इसको रखना पड़ेगा इसके ऊपर, ये एडजस्ट नहीं होगा बस कनेक्ट हो जाएगा, आपकी चार्जिंग होगी इससे प्रॉपरली, बस इसमें मैग्नेट नहीं है तो इसका जो इसकी ग्रिप होगी वो इतनी अच्छी नहीं मिल पाएगी आपको। अगर इसके ऊपर रखेंगे तो ये स्लिप हो जाता है, ये चिपकता नहीं है, तो ये चार्ज तो होगा लेकिन ये यहाँ पर अटैच नहीं होगा क्योंकि इसमें मैग्नेट नहीं है, तो इसमें आपको यहाँ पर अटैचमेंट नहीं मिलेगी। बाकी आप इससे चार्ज कर सकते हैं अपने आईफोन XR को,
अपने 11 को, जिसमें भी आपको वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है, आप इसको चार्ज कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। और गाइस इसमें देखने को मिलता है आपको 15 वॉट का आउटपुट। तो गाइस इसमें आपको 15 वॉट का फास्ट चार्जिंग का आउटपुट मिलेगा अगर आप 20 वॉट का अडैप्टर लगाते हैं इसके साथ तो। और इसके साथ देखते हैं गाइस हमारी एप्पल वॉच सीरीज 5 चार्ज हो सकती है क्या नहीं। तो गाइस सीरीज 5 इसके साथ चार्ज नहीं हो रही है, उसी से चार्ज होगी, मैगसेफ से चार्ज नहीं कर सकते आप। बाकी गाइस वॉच का जो चार्जर होता है वो भी आपको इसी टाइप का मैग्नेट का देखने को मिलता है, बट मैगसेफ से इसकी चार्जिंग नहीं होगी, आप इसको एप्पल वॉच के चार्जर से ही चार्ज कर सकते हैं। और गाइस आप करते हैं अपने एयरपॉड का टेस्ट। तो गाइस एयरपॉड प्रो चार्ज हो रही है इससे प्रॉपरली, आप इसको चार्ज कर सकते हैं इस पे रख के बहुत ही आसानी से, सिर्फ आपको इसको इस पे रखना है इसे और ये चार्ज होने लगेगी। और गाइस अगर आपके पास एयरपॉड 2 है वायरलेस चार्जिंग वाला तो आप उसको भी इस पे रख के चार्ज कर सकते हैं बड़ी आसानी से और ये बहुत ही आसानी से चार्ज हो जाएगा। तो गाइस ये था कुछ टेस्ट एप्पल के मैगसेफ चार्जर का जो कि आपने इस वीडियो में देखा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। और गाइस मैंने आईफोन 12 प्रो मैक्स की टिप्स एंड ट्रिक की एक वीडियो बनाई है, आप अगर देखना चाहते हैं तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं और आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप चाहें तो वहाँ से भी देख सकते हैं। तो इस वीडियो में गाइस बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं आप, हम ऐसी वीडियो लाते रहते हैं आपके लिए। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।